जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख के नेतृत्व में भारी बारिश में बल्लारपुर रेलवे स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। सीमेंट, कोयला और लोह अयस्क के परिवहन से हर साल 3 से 4 हजार करोड़ का राजस्व देने वाली चंद्रपुर बल्लारपुर से मुंबई और पुणे के लिए नियमित ट्रेन होना स्थानीय नागरिकों की मांग नहीं बल्कि अधिकार है। शिक्षा और काम के लिए पुणे या मुंबई जाने वाले इस क्षेत्र के हजारों युवाओं, उनके माता पिता के साथ साथ व्यापारियों और अन्य सामान्य नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करने के लिए रेलवे प्रशासन की निंदा करते हुए जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख के नेतृत्व में भारी बारिश में विरोध प्रदर्शन किया गया। बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के सामने हुए इस विरोध प्रदर्शन में बल्लारपुर शहर के कई सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर इस आंदोलन को समर्थन किया। इस समय जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने चेतावनी दी कि मुंबई पुणे नियमित ट्रेन के साथ साथ सेवाग्राम लिंक एक्सप्रेस, बल्लारपुर भुसावल पैसेंजर ट्रेन, भाग्यनगरी नामगिरी, काजीपेट नागपुर जैसी जनहित ट्रेनों की बहाली तक आंदोलन जारी रहेगा। इस धिक्कार आंदोलन में बल्लारपुर के पूर्व नगराध्यक्ष डॉक्टर मधुकर बावनी, व्यापारी एसोसिएशन के बल्लू गिड़वानी, नरेश मुंडा, जगदीश मुंडा, नवनीत सारडा, रविंद्र सिंह सलूजा, रवि फुलझेले, राजू मुंडा, सराफा एसोसिएशन के दीपक कड़ेल, बाल किशन कड़ेल, मेडिकल एसोसिएशन के प्रमोद बोरकुटी बावेजा तथा बल्लारपुर के सामाजिक व राजकीय क्षेत्र के राजू काबरा, बादल उराड़े, दीपक मोरकुटे, प्रशांत मेश्राम, अंकित निवलकर, रवि बेजल्ला, रितेश तेलंग, इब्राहिम खान, राहुल रामटेके, रोशनी चौधरी, हरिदास विश्वास, जन विकास सेना महिला आघाड़ी की मनीषा बोबड़े, भाग्यश्री मुधोलकर, बबीता लोडेलीवार, स्नेहल चौथाड़े, छाया उपरे, दर्शना झाड़े आदि का समावेश था। इस अवसर पर मूसलाधार बारिश में रेलवे प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी की गई, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने बल्लारपुर रेलवे स्टेशन के प्रबंधक रविंद्र नंदनवार को निवेदन दिया। माल ढुलाई से 3 हजार से 4 हजार करोड़ का करोड़ की आय होती है और हमारे यहाँ से हमारे राजधानी में महाराष्ट्र के मुंबई में जाने के लिए और जहाँ हमारे हजारों बच्चे पढ़ते हैं ऐसे पुणे में जाने के लिए एक नियमित ट्रेन नहीं है। दूसरे 16 राज्यों को जाने के लिए यहाँ पे रोज 5-5, 10-10, 20-20, 40-40 ट्रेनें हैं। यह हमारे ऊपर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हमने आज यहाँ पर धिक्कार आंदोलन जन विकास सेना की तरफ से किया, क्योंकि हम 4 हजार करोड़ के आसपास की आय देते हैं तो हमारे राजनीति में हमारी राजनीति राजधानी मुंबई में जाने के लिए, पुणे के में जाने के लिए नियमित ट्रेन देना रेलवे का कर्तव्य है और इसलिए आज इस धिक्कार आंदोलन को किया गया है। अगर रेलवे ने हमारी मांग का हमारा अधिकार, क्योंकि हमारा अधिकार है, ये हमारी मांग नहीं है, अगर ये हमारा अधिकार में रेलवे ने हमको जल्द से जल्द नहीं दिया तो हम रेलवे को अपनी जन आंदोलन करके रेलवे की माल ढुलाई भी रोक देंगे और वक्त आने पे तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होगी और यही हमारा रेलवे प्रशासन इशारा।